आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे इस छोटे से चैनल पर। जब भी हम हमारा नया मकान बनाते हैं और टाइल्स लगाने की बारी आती है तो एक काफ़ी कंफ्यूजन होता है, हमारे अंदर भी कंफ्यूजन होता है और पूरी फैमिली में भी कंफ्यूजन होता है कि किस तरीके की टाइल्स लगवाई जाए, क्या साइज़ की लगवाई जाए। तो यहाँ पर मैं मेरा एक ओपिनियन आपके साथ शेयर करूँगा, हो सकता है ये ओपिनियन आपको पसंद आए। अब मेरा ये मानना है कि जब भी हम घर में टाइल्स लगवाते हैं उसका कलर इस तरीके से हो कि उसमें एकदम से डस्ट नहीं दिखे, गीले पाँव से उस पर चले तो एकदम पाँव के निशान नहीं दिखे। तो टाइल्स का कलर सेलेक्ट करते समय हमें इन बातों का ध्यान देना चाहिए, क्योंकि जब हम शॉप पे जाते हैं, किसी भी शॉप पे जाते हैं टाइल्स को पसंद करने, तो लाइट कलर की जो टाइल्स होती है शॉप पे तो हमें काफ़ी अच्छी लगती है, लेकिन जब हम घर में उसे लगा लेते हैं और जब हम रहना शुरू करते हैं तो हम देखते हैं अगर जरा सी भी डस्ट हमारे घर में आती है तो वो अलग ही लाइट कलर में दिखने लगती है। और मान लो कोई गीले पाँव से उन टाइल्स पे चलता है तो वहाँ पाँव के निशान दिखने लगते हैं, तो बाद में क्या होता है, घर में जो भी महिलाएं हैं वो कब तक और कितना पोछा लगाएंगी। काम करने वाली बाई भी एक टाइम आती है, उसके बाद हम चलना फिरना घर में बंद नहीं कर सकते, तो घर की महिलाएँ कब तक और कितनी सफाई करेंगी। तो बाद में ये हमारे लिए लाइट कलर एक दिक्कत का कारण बन जाता है। जब मैंने मेरा मकान बनाया था तो यही बात को ध्यान में रखते हुए टाइल्स का सिलेक्शन करा था, तो आपको मैं वो टाइल्स दिखाता हूँ कि मैंने मेरे घर में कौन से कलर की टाइल्स लगवाई थी। तो चलिए देखते हैं। तो ये जो आप देख रहे हैं ये मेरे घर की फ्लोरिंग है और यहाँ पर जो मैंने जिस टाइल्स का यूज़ करा है वो गोल्डन कलर की टाइल्स है। और मैंने खुद इस टाइल्स को यूज़ करा तो मैंने देखा कि यहाँ पर अगर इसमें डस्ट भी होती है तो एकदम से वो नज़र में नहीं आती, और यहाँ पर अगर हम गीले पाँव से भी चल लेते हैं इस टाइल्स पे वो भी पाँव के निशान एकदम से नज़र नहीं आते। तो यहाँ पर ये मेरा ओपिनियन था, फिर भी मैं जानता हूँ हर आदमी की पसंद अपनी अलग अलग होती है, लेकिन अगर आप इस पॉइंट को ध्यान देते हैं तो फ्यूचर में अननेसेसरी मेहनत से आप बच सकते हैं। आज के वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। थैंक यू।